Hello students, welcome to my channel OmniGyan. My channel I to So um, we are going to learn today Chapter Six, Oliver Twist, and Oliver Twist written by Charles Dickens. Okay, so we have learned till Chapter Five. I will provide you all the links uh, of all the other chapters in the description box below. You can, in case if you have missed, you can go and watch the other chapters also. Okay. तो नाउ यू सी हियर एट दिस पॉइंट इन चैप्टर फाइव वी सी हाउ मिस्टर ब्राउन लो वाज़ वॉज इन द हाउस ऑफ मिस्टर ब्राउन लो कैसे मिस्टर ब्राउन लो के घर पर था और फिर जो है मिस्टर ब्राउन लो के घर पे ही गॉट सो मच ऑफ लव एंड केयर मिस्टर ब्राउन लो हैड गिफ्टेड हिम न्यू क्लोथ्स कैप ओके एंड ऑलि गेव दो गेव हीज ओल्ड क्लोथ्स एंड क्लोथ टू वन सर्वेंट देर एक सर्वेंट था उसको जो है ऑलीवर ने अपने पुराने कपड़े दे दिए एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू गो एंड सेल दोज दोज़ ओल्ड क्लोज इन द मार्केट एंड कीप द मनी विथ हर तो पैसे वो अपने पास रख सकता है उन पुराने कपड़ों को बेच के तो ऑलीवर सो फ्रॉम हियर वी सी दैट ऑलीवर का जो मैंटेलिटी है यू नो इसटेलिटी ही इट्स इट्स सो गुड ओके हालाँकि यू नो ही We know that uh, uh, right from his birth, he did not get a very good uh, environment around him. Starting from poor house uh, to ma Mrs. Mann's house and then back to the poor house, uh, Mr. Sowerberry's house. Then he uh, was uh, th there in Fagin's gang also or... बहुत कुछ हुआ ठीक है तो मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आई हैव ऑलरेडी यू नो एक्सप्लेन इन डिटेल फ्रॉम चैप्टर वन टिल चैप्टर फाइव सो आई विल नॉट गो इन डिटेल हियर तो ओलिवर को जब मिस्टर ब्राउनलो ने भेजा यू नो मिस्टर ग्रिमविक अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ब्राउनलो हैड अ बेट विथ हिम अ काइंड ऑफ अ बेट विथ मिस्टर ब्राउनलो दैट आई डोंट ट्रस्ट ऑलीवर बट मिस्टर ब्राउनलो से दैट आई ट्रस्ट ऑलि देन यू सी इन वन वे मिस्टर ग्रिमविग ने कहा कि ठीक है चलो अगर तुम इतना ही ट्रस्ट करते हो तो यू गिव दिस पैकेट ऑफ बुक्स दिस पार्सल एंड मनी एंड टेल ऑलीवर टू रिटर्न दिस टू द बुक सेलर और अगर ऑलीवर वापस आया देन ऑलिवर इज़ अ वेरी ट्रस्टेड बॉय एंड इफ ऑलि डजेंट कम देन ऑलीवर इज़ अ थीफ तो विदाउट थिंकिंग यू नो विदाउट थिंकिंग एनी थिंग मिस्टर ब्राउन लो टेल्स ऑलीवर दैट यू डिलीवर दिस पार्सल एंड मनी टू द बुक सेलर तो ओलीवर तो निकला एंड जब ऑलिवर निकला हाउ नैन्सी वी ऑल्सो सी के नैन्सी और बिल्साइक्स दोनों मिलकर यू नो बोथ बिलसाइक्स एंड नैन्सी दे किडनेप ऑलि एंड द टेक हिम बैक ओके टू फैगिन्स गैंग टू ऑलिवर इन चैप्टर सिक्स नाउ वॉट वी लर्न इज दैट ऑलिवर इज बैक इन फैगिन्स गैंग ओके शी हेज बिन टेकिन बाई नैंसी एंड नैन्सी एंड बिलसाइक्स राइट ओके चैप्टर फाइव यू स्टडी चैप्टर फाइव वेरी नाइसली यूल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट अब चार्ली बेट्स वेलकम ड ऑलिवर विथ लाफ्टर तो चार्ली बेट्स जो है ऑलिवर के होलिया देखी यू नो ऑलिवर वॉज वेरिंग न्यू सूट न्यू कैप एंड इन इज़ हैंड यू नो देर देर वॉज पार्सल ओके सो चार्ली बेट जो है ताली बजाना लगा अरे ये तो हीरो आ गया हम लोगों के गैंग में फिर से नए नए कपड़े पहन के यू नो वेयरिंग न्यू क्लोथ हीरोज कम यू नो दिस काइंड ऑफ टोंटिंग एक्चुअली ही डिड नॉट वेलकम चार्ली बेट्स ने ओलिवर को वेलकम नहीं किया इट्स नॉट अ वेलकम द वे वी वेलकम पीपल इट्स नॉट अ वेलकम इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ मॉकरी एक इंसल्टिंग रिमार्क ओके दिस दिसंड ऑफ अ इंसल्ट टू ऑलीवर जैक जो है जैक द डॉजर जैक एम टी द पॉकेट्स ऑफ ऑलिवर तो जैक ने जो है ऑलिवर का पॉकेट खाली किया और पॉकेट से क्या निकला फाइव पाउंड नोट ठीक है यू रिमेंबर द फाइव पाउंड नोट्स विच मिस्टर गिवन लू ओके एंड दिस फाइव पाउंड नोट्स आर टू बी गिवेन टू द बुक सेलर यह फाइव पाउंड नोट जो है यह बुक सेलर को रिटर्न करने के लिए था बट देन ऑलिवर कुड नॉट रिटर्न बिकॉज बाई दैट टाइम ही वॉज ऑलरेडी किडनेप्ड बाई नैंसी एंड बिल साइक्स तो जो भी हो तो फाइव पाउंड नोट देख के तो सबका एकदम पूरा जो है यू नो देयर आई स्टार्टेड स्पार्कलिंग उनका जो है चेहरा पूरा चमकने लगा कि फाइव पाउंड्स ओके एंड देन द एक्सपेंसिव बुक्स ऑल्सो द पार्सल बिल्स बिल्साइक स्नैच द नोट फ्रॉम फैगिन एंड डिक्लेयर दैट द नोट्स बिलोंग टू हिम एंड एनसी तो बिल्साइक जो है uh, चार जैक uh, डॉकिंस के हाथों से जैक द डॉजर यू नो के हाथों से जो है वो फाइव पाउंड नोट छीन लेता है ही स्नेच द नोट फ्रॉम चार्ली uh, बेट्स और कहता है कि दिस नोट बिलोंग्स टू मी एंड माई गर्लफ्रेंड नैन्सी ओके तो ऑलीवर टर्न वेरी एंग्री तो ऑलीवर थोड़ा गुस्सा हो गया एंड कहा कि द फाइव पाउंड नोट वो जो पैसे है ओके एंड द बुक्स दोज बिलोंग टू मिस्टर ब्राउन लो वो मिस्टर ब्राउन लो का है एंड यू रिटर्न मी द यू रिटर्न द मनी एंड द बुक्स टू मिसटर ब्राउन लो बिकॉज इट बिलोंग्स टू हिम ये मिस्टर ब्राउन लो का पैसा और बुक्स है तुम लोग जो है इसे वापस कर दो यू रिटर्न इट एंड ऑल यू नो अगेन एंड अगेन ही रिक्वेस्टेड दैम ओके दैट दे कैन कीप हिम के आप लोग मुझे रख लीजिए यू कैन कीप मी इन योर गैंग आई विल नॉट गो टू मिस्टर ब्राउन लो यू कैन कीप मी इन योर गैंग बट प्लीज सेंड द मनी सेंड द मनी एंड बुक्स टू मिस्टर ब्राउन लो अदरवाइज मिस्टर ब्राउन लो विल थिंक दैट आई एम अ थीफ कि प्लीज़ आप लोग जो है मुझे अपने गैंग में रख लो यू कीप मी इन योर गैंग लेकिन ये पैसा और बुक जो है मिस्टर ब्राउनलो को वापस कर दो नहीं तो मिस्टर ब्राउनलो ये सोचेगा कि मैं चोर हूं जो कि मैं नहीं हूं आई एम नॉट अ थीफ सो यू कैन कीप मी विथ यू तुम लोग मुझे अपने गैंग में रख लो लेकिन ये पैसा और बुक जो है मिस्टर मिस्टर ब्राउन लो को वापस दे दो ठीक है बट वो लोग कहाँ सुनने वाला है दे आर नॉट गोइंग टू लिसन द थीव्स बाय नेचर राइट दे आर ऑल थीव्स बाय नेचर एंड दे आर रनिंग अ गैंग अ वेरी अ गैंग ऑफ पोटेंशियल क्रिमिनल्स ठीक है ना बिल जो है बिल पुट्स इज डॉग आफ्टर ऑलि तो बिल जो है ऑलिवर को जो है ठंडा रखने के लिए बिकॉज ऑलिवर बिकेम लिटिल एंग्री सो इन ऑर्डर टू यू नो पैसिफाई ऑलीवर इन ऑर्डर टू सबड्यू ड्यू ऑलिवर बिल जो है ऑलिवर के पीछे अपना कुत्ता लगा देता है तो देट डॉग ऑल्सो स्टार्टेड सी एंड नैंसी सडनली यू नो नैन्सी फेल्ट वेरी पिटी वेरी बैड फॉर ऑलिवर एंड ही वॉन्ट बिल बिल

तो नैनसी जो है बीच में कूदती है नैन्सी एक्चुअली जम्स इन एंड सेव्स ऑलीवर वो ऑलीवर को बचाता है ठीक है सेव्स ऑलीवर वो ऑलीवर को बचाता है नाउ फैगिन केम टू बीट ऑलीवर विथ अ स्टिक फैगिन को भी गुस्सा आ गया कि वाई डिड यू लीव माई गैंग वाई डिड यू रन अवे फ्रॉम माई गैंग ओके एंड बिकॉज ऑफ यू आवर गैंग वॉज अबाउट टू फॉलो इन डिफिकल्टी अगर तुमने पुलिस को बता दिया होता सब कुछ तो मेरा गैंग जो है uh, इस गैंग को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा इट टू का लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू बिल्ड दिस गैंग गैंग तो इफ समथिंग इफ द गैंग वुड हैव ब्रोकन इफ इफ एनी मेंबर ऑफ द गैंग वुड हैव कॉट देन हाँ हाउ डेर यू रन अवे एंड फैगिन के एम टू बीट ऑल ओवर विद अ स्टिक बट अगेन नैन्सी केम एंड स्टॉप हिम टू बाई टेकिंग अवे द स्टिक एंड शी थ्रू द स्टिक इन द फायर तो नैन्सी जो है वो फिर से बीच में कूदती है फैगिन के हाथों से डंडा ले लेती है हाथ से डंडा ले लेती है शी स्नैच द स्टिक फ्रॉम फैगिन हैंड और उसको वो स्टिक जो है उसको आग में फेंक देता है देती है ओके शी थ्रू अवे द throws away the uh, stick in the fire so nancy is very angry on both fagin and bill Sykes. why are you torturing this poor oliver he is such a small guy this, this uh, uh, oliver is such a small guy such a small boy that why are you troubling the boy leave him usko ko tum log kar ko? okay so nancy was angry on both fagin and bill here we learn actually nancy is actually there in the gang she is actually a criminal only in one way. She is also a thief, but then she is different from the other uh, characters in the story. Bill's jo character, the characters in Bill's gang, okay, Fagin, Bill, Jack Dawkins, Charlie Beats, other boys, okay. Nancy is very different from all of them, and we will learn as the story progresses. We will learn that Nancy is subset different. Hai. She is there in the criminals' gang, but then she is not of. Uh, यू नो एन ई विल नेचर शी डज नॉट हैव एन ई विल नेचर इन साइड हर एंड वी विल लर्न दैट नॉट नाउ बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है तो हम लोग देखेंगे नैन्सी सबसे डिफरेंट कैसे है तो नैसी अब जो है बहुत गुस्से में नैन्सी ने अब क्या कहा देखिए नैसी से इड वेरी एंग्रिल दैट दे हैव ऑलरेडी मेड ऑलीवर विथ ही तुम लोगों ने तो ऑलरेडी ऑलीवर को चोर बना ही दिया है ऑलीवर तो बेचारा पैसा रिटर्न करने के लिए जा रहा था मिस्टर ब्राउन लो के कहने पर बिकॉज मिस्टर ब्राउन लो एवी मै वर्क टू डू ही वॉज एक्चुअली गोइंग ऑन एन एर एंड ही वॉज गोइंग टू रिटर्न द पार्सल

शी वुड so to to है ब्रॉट ऑलिवर टू हिम इफ़ शी हैड नोन दैट दे वुड बी सो क्रूअल टू हिम तो नैन्सी ये कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम लोग ऑलिवर के साथ इस तरीके से बिहेव करूंगी इफ आई हैड नोन दैट यू वुड बिहेव इन दिस वे विद ऑलीवर मैं ऑलीवर को कभी वापस लाती ही नहीं आई वुड नेवर ए नो ब्रॉट ऑलिवर बैक इन दिस गैंग ठीक है तो नैन्सी इज वेरी वेरी एंग्री एंड नाउ नैन्सी लाइक like, उसका जो है कंट्रोल फीलिंग्स के ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल उठ चुका है नैन्सी इज आउट ऑफ कंट्रोल ओके ऑफ हर फीलिंग्स एंड आउट अनएबल टू कंट्रोल हर फीलिंग्स नैंसी आल्सो बिकेम पर्सनल नाउ तो नैन्सी जो है थोड़ी सी पर्सनल होगी एंड दैट दे हैव दे हैव ऑल्सो मेड हर अथीव कि तुम लोगों ने मुझे भी चोर बनाया है मैं भी पहले अच्छी थी आई वॉज ऑल्सो गुड गर्ल वंस अपन अ टाइम बट यू पीपल यू पीपल यू फैग यू बिल ओके यू पीपल यू मेड मी अ थीफ तुम लोगों ने मुझे चोर बनाया मैं तो पहले अच्छा था आई वॉज अ गुड गाई इन द बिगिनिंग एंड यू सी शी सेज दैट आई मस्ट वीट गर्ल एंड आई विल डाई इन द स्ट्रीट्स आई हैव नो वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ आई हैव नो पेरेंट्स आई हैव नो मदर आई हैव नो फादर नो सिस्टर्स नो ब्रदर्स सो यू सी आई मस्ट वीट गर्ल मैं एक रस्ते का लड़की हूँ एंड आई विल डाई इन द स्ट्रीट्स नो बडी विल बी देर टू लुक आफ्टर माई डेड बॉडी ऑल्सो ठीक है ना तो बी सैटिस्फाइड तो नैन्सी इज टेलिंग एवरीबडी दैट ये मेड मी अ थीफ ऑल्सो सो एटलीस्ट बी सेटिस्फाइड नाउ ठीक है तो नाउ शी शी शिराश टूवर्ड्स फैगिन तो फैगिन की तरफ जो है बिल नैन्सी uh, बिल्कुल दौड़ के गई टू अटैक फैगिन बट बिल कॉट हर लेकिन बिल ने जो है नैन्सी को पकड़ लिया एंड नैंसी फेंटेड ओके नैंसी जो है बेहोश हो गई नैन्सी फेंटेड कंप्लीटली ठीक है तो ओलिवर का कपड़ा जो है द क्लोथ ऑफ ऑलीवर द गुड क्लोथ दैट वॉज गिवन बाई मिस्टर ब्राउनलो जो अच्छे कपड़े मिस्टर ब्राउनलो ने दिए थे ऑलीवर uh, uh, जो पहन के ओलिवर को किडनेप किया गया था ओके okay? तो ओलिवर का वो नया कपड़ा uh, उन लोगों ने ले लिया दे टुक द न्यू क्लोथ फ्रॉम ओलिवर एंड ओलिवर वॉज अगेन गिविन दट ओल्ड डर्टी क्लोथ्स एंड दे हैड टेकन अवे हिज न्यू क्लोथ दैट मिस्टर ब्राउन लो है ओलिवर तो उन लोगों ने वो नया कपड़ा टोपी कैप दे Took all the new things away from Oliver and they gave Oliver the old dirty clothes. जो एक चोर के लिए फिट है अगर एक चोर बहुत अच्छा कपड़ा पहन के बाहर निकलेगा तो people will like संदेह करेंगे ना ठीक है तो this is the thing. Okay. For many days, तो Oliver को जो है permission नहीं था Oliver was not given any permission to go out. तो ऑलिवर को जो है बाहर जाने का परमिशन नहीं था एंड ही remained लाइक like a प्रिजनर वो एक जैसे जेल में जैसे कैदी रहते. रहे remained in the इन द हाउस इन 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 द हाउस हाउस मतलब ये एक अलग घर है दिस इज अ दिस इज़ अनदर हाउस ये वो फैगिन का घर नहीं है ये एक अलग घर है एंड दिस इज वेरी ओल्ड एंड डर्टी हाउस एक छोटा सा घर है अ वेरी स्मॉल हाउस अ कॉटेज टाइप ओके एंड इट्स वेरी ओल्ड एंड डर्टी एंड ऑलि वॉज केप्ट इन दैट हाउस ऑलीवर को उस घर में रखा गया एंड ऑल द टाइम ही यूज टू बी लोनली ओनली तो पूरा वक्त जो है ऑलिवर यूज़ टू बी ऑल अलोन लोन विथ नो बडी अराउंड हिम तो कंपनी के लिए फैग इन ऑल्सो समवेयर ही फेल्ड इट इल बैड तो कंपनी के लिए हाउ आर फैग इन द जू हेड लेफ्ट द डॉजर एंड चार्ली फॉर कंपनी विथ ऑलीवर तो ऑलीवर का मन बहल जाएगा ऑलिवर वुड गेट अ कंपनी दैट इज़ वाई ऑलि फैग इन टोल्ड जैक डॉकिंस एंड चार्ली बेट्स दैट यू स्टे विथ ऑलीवर तुम तुम दोनों ऑलीवर के साथ रहो ऑलीवर को कंपनी दो यू गिव कंपनी टू ऑलीवर ऑलि विल ऑल्सो फील गुड तो इस दौरान जो है ड्यूरिंग दिस टाइम वेन जैक डॉकिंस एंड चार्ली बिट्स वेर विथ ऑलि ड्यूरिंग दिस टाइम जैक एंड चार्ली ट्राई टू कन्विंस ऑलीवर टू ज्वाइन देयर गैंग अगेन तो जैक डॉकिंस और चार्ली बिट्स ने बहुत जो है ऑलिवर को पटाने का कोशिश किया दे ट्राई टू यू नो कन्विंस ऑलीवर ऑलीवर यू जॉइन आवर गैंग एंड बिकम अ थीफ लाइक अस एंड लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी फूड शेल्टर ओके बट ऑलिवर डोंट वॉन्ट टू बिकम वन ऑफ यू ऑलिवर ने बिल्कुल स्ट्रेट मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू बिकम अ थीफ आई वांट टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन मैं ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहता हूँ इन लाइफ आई वांट टू मेंटेन ऑनेस्टी आई डोंट वांट टू बी अ थीफ लाइक यू ठीक है तो एनी जैक uh, और चार्ली ने फिर बोलना छोड़ दिया दे लेफ्ट टेलिंग थिंग एनी थिंग बिकॉज दे न्यू दैट अल्टीमेटली बिल साइक्स जो आएगा ज़बरदस्ती ओलिवर को जो है ओलिवर uh, से चोरी करवाएगा ओलिवर से कोई क्रिमिनल काम करवाएगा

वन नाइट फैगिन क्या किया फैगिन वेन टू मीट तो बिल और नैनसी यहाँ पे रह, रहते थे ये दोनों कपल बिल एंड नैंसील ग्रीन तो फैगिन कुछ काम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वेरी अर्जेंट वर्क फैगिन वेन टू बेथनल ग्रीन टू मीट बिल एंड नैंसी ओके तो जब अंदर घुसे तो यू नो द जू जू मतलब यहाँ पे फैगिन द जू वॉज गिवेन अ ड्रिंक बाई नैंसी तो नैन्सी ने जो है जू को जो है ड्रिंक uh, सर्व किया ठीक है एंड देन बिल ने पूछा फैगिन से बिल आर्स फैगिन दैट वाई डिड यू कम हियर ओके वर्ड वर्क डू यू हैव तो फैगिन देन बिल दैट अबाउट द जॉब एट चर्च सी तो चर्च सी बोल के एक दूसरा जगह है तो so, कोई काम है इज अ जॉब एंड दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट दर इज अ जॉब इन अ प्लेस कॉल चर्चसी दैट इज टू बी डन बाई बिल और एक आदमी है वो ये दोनों मिलके बिल एंड दैट पर्सन दे आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ जॉब वो लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं इन दिस प्लेस कॉल चर्च सी ठीक है एंड बिल अब रिप्लाई करता है कि नो 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 दैट जॉब कैनॉट बी डन बिकॉज टोबी क्रैकेट नाम का जो आदमी है दिस मैन एक्चुअली ही एंड बिल एक्चुअली ओके बिल एंड टोबी क्रैकेट दे हैव एक्चुअली प्लैंड आई टेल्यू वॉट टेल यू बिल एंड टोबी दे हैव एक्चुअली प्लैंड अ रॉबरी उन लोगों ने एक घर में चोरी करने का प्लानिंग किया है दिस इज द जॉब दिस रॉबरी इज द जॉब एक्चुअली ओके तो दोनों ने जो है बिल एंड टोबी क्रैकेट दे हैव प्लान द रॉबरी उन्होंने एक चोरी प्लान किया तो फैगिन वही पूछने के लिए आया था कि वॉट इज द स्टेटस ऑफ द जॉब कि उस जॉब का क्या हाल चाल है तुम लोग रॉबरी करने वाले हो कि नहीं हो तो बिल तब रिप्लाई करता है बिल रिप्लाई दैट एक्चुअली टोबी का जो सर्वेंट लोग हैं ओके टोबी सर्वेंट्स दे आर नॉट फिट इनाफ टू डू द जॉब ठीक है टोबी के जितने भी टोबी क्रैकेट के जितने भी नौकर चाकर है वो लोग इस जॉब को इस रॉबरी को नहीं कर सकते अब फैगिन ने कहा क्यों नहीं कर सकते टोबी इतना बड़ा चोर है टोबी इज सच अग थीफ देन वाई कान टोबी क्रैकेट सर्वेंट डू दिस रॉबरी uh, इन चर्च सी तो बिल ने कहा यही तो दिक्कत है बिकॉज एक्चुअली वी नीड अ स्मॉल बॉय हम लोगों को एक छोटा सा लड़का चाहिए वी नीड अ स्मॉल बॉय हु कैन डू द जॉब वी डोंट नीड बिग बिग फैट फैट मैन मोटे मोटा जो आदमी है लंबा आदमी मोटा आदमी इनसे हमारा कोई काम नहीं है नहीं तो वो काम मैं भी कर सकता था आई आई कुड हैव ऑल्सो डन द जॉब आई कुड हैव ऑल्सो डन द रॉबरी बट वी नीड अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का चाहिए हमें अब छोटा लड़का क्यों चाहिए एक सस्पेंस है ठीक है ये मैं बाद में बताऊंगा नॉट नाउ ओके वेन विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर्स आई टेल यू दैट बट बिल uh, ने मना कर दिया कि नो टू बी क्रैकेट का सर्वेंट लोग नहीं कर पाएंगे टू बी क्रैकेट सर्वेंट विल नॉट बी एबल टू डू द जॉब बिल साइक्स देन आक फैगिन के फैगिन अगर मैं 50 पाउंड्स एक्स्ट्रा स्पेंड करूँ इफ आई स्पेंड 50 पाउंड्स एक्स्ट्रा कैन यू डू द जॉब ओके और कैन यू गेट समबडी टू डू द जॉब क्या तुम किसी को मैनेज कर पाओगे इस जॉब को करने के लिए रॉबरी को करने के लिए तो फैगिन तो पैसे का लालची ही इज़ अ वेरी ग्रीडी मैन फैगिन इज़ अ व व वेरी ग्रीडी मैन तो फैगिन एग्रीड एकदम इंस्टेंटली एग्रीड ये सीट येस यस येस आई वुड बी वेरी हैप्पीली डू इट एंड इट विल भी डन मैं मतलब आई गिव माई वर्ड ओके दिस दिस रॉबरी विल भी एप्सोल्यूटली डन इफ यू पे मी फिफ्टी पाउंड्स तो बिल सेक्स ने कहा चलो ठीक है मैं फिफ्टी पाउंड्स और एक्स्ट्रा तुमको पे करने के लिए तैयार हो बट आई नीड अ बॉय तो बिल्स एट फैगिन यू गिव मी अ बॉय फ्रॉम योर गैंग तो बिल ने फैगिन से कहा कि तुम एक लड़का दो तुम्हारे गैंग से अब वो लड़का कौन होगा बली का बकरा तो एक ही होगा राइट हु ओलिवर इसमें कोई शक नहीं देर इज़ नो डाउट अबाउट इट ओके सो नैन्सी को ऑलरेडी पता ही था कि वो लोग ओलिवर को ही लेंगे दैट दे वुड सिलेक्ट ओलिवर ओनली सो यू सी हियर नैन्सी ऑलरेडी न्यू दैट फैगिन वुड सिलेक्ट ओलिवर फॉर द जॉब के ओलिवर को ही वो लोग लेंगे क्योंकि ओलिवर जो है अब क्यों लेंगे ऑलीवर को सी देर देर इज जैक डॉकिंस वेरी एक्सपर्ट इन रॉबरी आप लोगों ने देखे यू सॉ दैट हाउ जैक डॉकिंस कमिटेड द पिक पॉकेटिंग फ्रॉम मिस्टर ब्राउनोज पॉकेट हाउ ही स्टोल द हेंकअीफ बट ही वॉज नॉट कॉड वो पकड़ा ही नहीं गया ही वॉज वेरी एक्सपर्ट चार्ली बेट्स अगेन अनदर एक्सपर्ट बट नो देर इज समथिंग इन ऑलीवर दैट जैक डॉकिस एंड चार्ली बेट्स डू नॉट हैव ठीक है और वो क्या है देखिए आप तो बिल जो है वो नैन्सी को प्रेज करते बिल प्रेजिस नैन्सी ओफ नैन्सी यू आर सो इंटेलिजेंट हाउ डिड यू नो दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑलीवर ओके एंड दैट ऑलीवर वॉज फिट फॉर द जॉब बिकॉज ही वॉज स्मॉल इन हाइट एंड ऑल्सो वेरी थिन तो अब देखिए बिल ने नैन्सी से क्या कहा कि नैन्सी अरे तुमने कैसे सोच लिया हाउ डिड यू इमीडिएटली फाइंड आउट दैट वी आर वी वर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ ऑलि एंड एक्चुअली वी नीड ऑलीवर वाई बिकॉज ऑलीवर इज स्मॉल इन हाइट ऑल्सो वो हाइट में छोटा है प्लस ही इज़ थिन ऑल्सो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है दैट ही स्मॉल इन हाइट एंड ऑल्सो थिन यू रिमेंबर दिस पॉइंट ओके स्मॉल इन हाइट एंड ऑल्सो थिन ओके वो दुबला पतला है बहुत पतला है एंड उसका हाइट भी छोटा है तो ऐसा ही लड़का चाहिए हमें इस इस काम के लिए तो फैगिन टोल्ड बिल दैट ओलिवर वुड डू द जॉब इफ ही फ्राइटेंड हिम तो फैगिन ने कहा देखो बिल ओलिवर तो ऐसे नहीं मानेगा ओलिवर विल नॉट लिसन लाइक दैट ही इज लिटिल स्टब्बन ऑल्सो थोड़ा जिद्दी टाइप का लड़का like है तो तुम्हें उसे धमकाना होगा यू विल हैव टू फ्राइटन हिम उसे जो है तुम मर्डर का धमकी दे दो यू गिव हिम द यू नो वार्निंग ऑफ दैट यू वुड मर्डर हिम यू वुड किल हिम एंड देन ही विल डू ओके और जो है उसे कन्विंस करो एंड मेक हिम फील दैट ही इज़ एक्चुअली अ मेंबर ऑफ आवर गैंग ही हैज़ नो वे टू गो उसका और कोई ठिकाना नहीं वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अब तक तो वो अब तक जो है वो चोर बन चुका है हीज़ ऑलरेडी बिकम अ थीफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग हिम अ थीफ ओनली ही कैन नॉट गो बैक टू मिस्टर ब्राउन लो ऑल्सो सो यू मेक हिम फील दैट ही हैज़ नो वे टू गो एंड ही इज़ अ मेम्बर ऑफ आवर गैंग ठीक है दरा के धमका के उसे अपने गैंग में हमें शामिल करना ही होगा वी विल हैव टू इंक्लूड ऑलिवर इन आवर गैंग ठीक है तो नाउ बिल आक्स्ट फैगिन देट वाई ओनली ऑलि वैन देर आर सो मेनी अदर बॉयज ठीक है तो बिल ने देखिए ऑलिवर से क्या पूछा बिल ने देखिए फैगिन से क्या पूछा बिल ने फैगिन से पूछा कि अच्छा फैगिन एक बात बताओ टेल मी वन थिंग कि तुम्हारे गैंग में इतने सारे लड़के यू सो मेनी यू नो बॉयज इन योर गैंग जैक डॉकिंस इज देयर चार्ली बेट्स इज देर देर आर सो मेनी अदर बॉयज इन योर गैंग देन वाई वुड यू सिलेक्ट ओनली ऑलि ऑलि ही क्यू दूसरे लड़के क्यों नहीं अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई आता है फ्रॉम फैगिन फैगिन से दैट बिकॉज ऑलिवर हैड द परफेक्ट लुक अब ये परफेक्ट लुक का मतलब क्या लुक ऑफ अ सिंपैथी कोई भी ऑलिवर का चेहरा देखेगा उसको जो है सिंपैथी आएगा सबसे बिगेस्ट यू नो द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज वॉट मिस्टर ब्राउन लो मिस्टर ब्राउन लो का पॉकेट जो है मिस्टर ब्राउनलो पॉकेट वॉज पिक्ड बाई होम जैक डॉकिस राइट एट दैट मोमेंट जैक डॉकिंस एंड चार्ली बेट्स तो रैन हुए बट राइट एट दैट मोमेंट मिस्टर ब्राउन लोड टर्नड एंड सो ऑलीवर तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट ऑलिवर वॉज द थीफ बट नो द फेस यू नो द लुक्स ये जो चेहरा है ऑलीवर का इट इज़ फुल ऑफ सिंपैथी चेहरा पूरा जो है वो सिम्पैथी से कूट कूट के भरा हुआ है कि किसी को भी ऑलिवर को देख के दया आ जाएगा एंड बाई चांस अगर ऑलीवर जो है किसी मुसीबत में पर भी जाए इफ बाई चांस इफ इन टू एनी डेंजर ऑल्सो स्टिल वुड लुक एट हिस्स एंड लीव हिम लोग जो है अगर बाई चांस वो चोरी कर, करता हुआ जो चोरी वो लोग करने वाले हैं यू नो द रॉबर्ट इज देअ देअर गोइंग टू कंडक्ट बाई चांस इफ ऑलिट अगर ऑलिवर पकड़ा गया उस चोरी में स्टिल देन नथिंग वुड हैपन टू ऑलि ऑलिवर को कुछ नहीं होगा क्योंकि बिकॉज दे विल लुक एट ऑलीवर्स फेस क्योंकि ऑलीवर का फेस क्रिमिनल जैसा लगता ही नहीं है हिज फेस डज नॉट लुक लाइक दैट ऑफ अ क्रिमिनल जैक डॉकिंस चार्ली बेट्स का चेहरा आप देख लीजिए यू सी द फेसिस ऑफ जैक डॉकिंस एंड चार्ली बेट्स दे लुक लाइक नंबर वन एकदम चिंदी चोर दे लुक लाइक पूरा क्रिमिनल्स बट ऑलीवर हैज सच एंड इनोसेंट फेस उसका फेस जो है इतना इनोसेंट है कि कोई इसका चेहरा देखेगा भी उसको क्रिमिनल लगेगा ही नहीं दे वॉन्ट थिकज अ क्रिमिनल And they will leave him. वो लोग छोड़ देंगे oliver को So this looks actually would help him if he got into any trouble, if he got into any danger. अगर किसी मुसीबत में oliver परा भी कोई टेंशन नहीं चेहरा देख के ही oliver का छोड़ देंगे उसको सब लोग तो ये स्ट्रैटेजी एंड दैट इज़ वाई ऑलीवर जो है हर वक्त वो बली का बकरा बनता था यू रिमेंबर even ड्यूरिंग दैट was ऑब्वियसली इट was uh, वो तो एक लॉटरी के वजह से पिक हुआ था जब वो बड़ा लड़का कहता है पोअर हाउस में कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं एक बच्चे को खा जाऊँगा ओके okay? तो ओलिवर ओलिवर अगेन यू नो ही बिकम्स अ बली का बकरा तेर तो एनी वेज वेन नैंसी आस्ट वेन वॉज द जॉब सपोज टू बी डन नैन्सी अभी पूछता है बिल से कि बिल ये जो रॉबरी है जो जॉब है तुम लोग ये जॉब कब करने वाले हो वैन आर यू गोइंग टू डू द जॉब तो बिल रिप्लाई दैट ही हैड प्लान द नाइट आफ्टर टमोरो कि परसों रात हम लोग जो है टोबी क्रैकेट से मिलके मैं टोबी क्रैकिट क्रैकेट और ओलिवर, ओके ओलिवर हम लोग मिल जो है द नाइट आफ्टर टमोरो परसों रात हम लोग जो है ये रॉबरी रौ, हम लोग करेंगे वी विल कमिट दिस रॉबरी परसों रात ठीक है टो बी क्रैकेट नाम आप याद रखिए ये कहानी में एक दो बार ही आता है इट वॉज अग्रीड दैट नैसी वुड फेच ऑलिवर द नेक्स्ट नाइट एंड वुड भी हैंडेड ओवर टू बिल अब फिर से नैनसे को काम दिया गया इट वॉज अगेन गिवेन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलिन्सी तो नैनसे को कहा कि नैन्सी यू ब्रिंग ऑलि फ्रॉम दैट स्मॉल हाउस एक वो जो छोटा घर है वहां से तुम ऑलि को लेके आओ एंड यू हैंड ओवर द बॉय टू बिल तुम बिल को यू नो ऑलि को तुम बिल के हाथों दे दो यू गिव हैंड ओवर ऑलीवर टू बिल ठीक है एंड बिल कुड इवन पनिश ऑलीवर इफ़ यू रिफ्यूज टू डू द जॉब तो बिल ने कहा कि मैं ऑलीवर को पनिश भी कर सकता हूँ अगर ऑलीवर ने इस ये जॉब करने से मना कर दिए इफ ऑलीवर रिफ्यूज टू डू द जॉब देन आई कैन पनिश हिम ऑल्सो ओके एंड देन काम जो है वहाँ पे उन लोगों का मीटिंग खत्म हो गया देर मीटिंग गॉट ओवर नैन्सी वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग ऑलि टमोरो ओके कल रात सी ओलिवर को लेके आएगा उस घर से और बिल के हाथों दे देगा ओके हैंड ओवर टू बिल तो मीटिंग ख़त्म फैगिन देन लेफ्ट तो फैगिन वहाँ से जो है चला गया वहाँ से और राइट सो दिस इज द स्टोरी दिस नॉट मच इन्फॉर्मेशन ओनली द ओनली थिंग दैट वी नो इज़ दैट कि ओलिवर जो है ओलिवर को कोई काम दिया जाएगा एंड वी नो वाट काइंड ऑफ अ जॉब इट इज़ इट्स अ रॉबरी तो वो लोग एक चोरी करने वाले किसी घर में दे आर गोइंग टू कंडक्ट अ रॉबरी और वहाँ से जो है कहानी का टर्निंग पॉइंट आएगा द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी विल कम फ्राम दैट रॉबरी वॉट वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द रॉबरी लर्न वेन आई एक्सप्लेन यू द चैप्टर ओके सो दिस इज द स्टोरी यहाँ पे हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिला कि टोबी क्रैकेट बिल साइस ये दोनों मिलकर जो है ऑल ईवर से ये चोरी करवाएंगे ना विल दैट रॉबरी भी सक्सेसफुल or not and uh, nancy has been given the responsibility to, to bring oliver to okay. so cahoga we will learn that later i hope you have understood this much this part of the story chapter 6 of the story um, as for today okay so that's all about the story and uh, if you have any doubt please feel free to comment in the comment section subscribe to the channel like the video and share the video with uh, all your friends so that's all from me for today. Thank you so much. With love from Omnigan and all the very, very best.